अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मजे मजे की चीजें होने वाली हैं और जबरदस्त इंफॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। आज हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त पिज्जा। तो आपने बहुत सारे खाए होंगे। आज का पिज्जा जो है वो पिज्जा पेन विल जो है ये बन रहा है, व्हील की तरह का बनेगा पिज्जा और बहुत ही मजेदार पिज्जा होता है ये। और इंशाल्लाह आप आज के पिज्जे से भी इंजॉय करेंगे हमेशा की तरह, ठीक है जी। और इसके साथ चिली चिली नूडल्स जो है वो तैयार हो रहा है बहुत ही जबरदस्त सा, कि आपको चिली का फ्लेवर आए और नूडल जो है वो तेज भी ना हो। किस तरह से किया जाएगा ये सारी चीजें आपके साथ शेयर होंगी। बहुत ही मजेदार 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 रेसिपीज आज मौजूद हैं आपके लिए। और इसके साथ इंफॉर्मेशन, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके लिए। और जैसा कि स्पाइसेस हमारी जिंदगी में बहुत ही अहमियत रखते हैं, लौंग ये एक हमारे पास ओल्ड स्पाइस है मौजूद, जिसे हम रोजमर्रा के खानों में खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। और खुशबू के साथ साथ ये हमारी जिंदगी में बेतहाशा फायदेमंद रेसिपी है और बहुत ही मजेदार मसाला है, और ये हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो इसको हम बताएंगे आपको कैसे करना है। और इसके अलावा खांसी में, आजकल बड़ा खांसी का दौर है, मुझे भी हो रही है, लौंग आपको किस तरह से खांसी से, गले की खराश से बचा सकता है, उसके बारे में भी आपसे शेयर करेंगे। बेतहाशा फायदेमंद है। और दांत की बीमारी हो, बच्चों के सीने की जकड़न हो, और इसे अगर धागे में बांधकर गले में डाल दिया जाए तो उससे क्या हो सकता है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बेतहाशा इंफॉर्मेशन है आपके लिए और मजेदार मजेदार रेसिपीज भी मौजूद हैं। तो ये तमाम चीजों के लिए देखते रहिए आज का तड़का, शाम 6 बजे रोजाना, और रिपीट जो है वो रात को 1 बजे और सुबह 10 बजे रिपीट होता है। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त रेसिपीज और इन्फॉर्मेशन आपके साथ जारी और सारी रहेगी, ठीक है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। और आज जो हमने पिज्जे के लिए डो बनाई है तो उसके बारे में आपको बताते हैं। ये डो जो है इसमें 1/2 किलो हमने मैदा लिया है, 2 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, 1/2 किलो मैदे में, 2 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 खाने का चम्मच खमीरा, 1 अंडा, थोड़ा सा नमक। अगर बटर डालना चाहते हैं तो 3 से 4 खाने के चम्मच बटर डाल दें और बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसे भूनें, तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। आजकल वैसी गर्मी है, 1 घंटे में भी ये राइस हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। और इसको जो है आपने बाद में बेलना है, किस तरह से बेलना है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ फिलिंग जो है वो कैसे बनेगी, वो भी एक बहुत ही मज़ेदार फिलिंग जो है वो तैयार होगी, और उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कैसे इसकी तैयारी करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे पास कॉलर हैं फातिमा फ्रॉम कराची। कराची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भाई। आप पिज्जा बना रहे हैं तो जी, मैंने कहा आपसे एक बात शेयर करूं कि पिज्जा का डो हम कैसे डीफ्रीज कर सकते हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बताता हूं मैं। जैसे और कभी जल्दी बनाना हो तो मतलब किस तरह डीफ्रीज करें ना, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दीजिएगा। और आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश, कोई सवाल है? आज का सवाल ये है कि हमारे पास शान जो जरा जरा ताजा है, इसका नमक मौजूद है, और आपने देखा होगा 2 किस्म के नमक इसके मौजूद हैं। इन दोनों किस्म के नमक के आपने नाम बताने हैं कि 2 किस्म के नमक कौन कौन से हैं? नाम तो नहीं पता, मैं पता है एक वो रेड पैकिंग में है और एक ब्लू पैकिंग में है। ए नहीं, एक ग्रीन पैकिंग में है और एक ब्लू पैकिंग में है। ठीक है, अब इस नाम एक, तो नहीं पता। एक क्या है और एक क्या है, रसोच ले कुछ बात फोन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने यही कहा आप बस हमें ये इन्फॉर्मेशन दीजिए दो को कैसे करें। ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पिज्जे की डो जो है वो अगर आप रखना चाहते हैं तो इसको आप फ्रिज में नहीं रख सकते, फ्रिज में 1 दिन के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो इसको जब ये राइज हो जाए उसके बाद इसको दोबारा वापस, इसके अंदर जो एयर होती है वो कैसी होती है आइए दिखाता हूँ मैं आपको। इसे आपने खोला, ये डबल हो चुका होता है और इसके अंदर एयर मौजूद होती है, और एयर जो है ये आपको नज़र आएगी, ये देखें। जैसे मैं इसको हटाऊँगा ये नीचे की तरफ
बैठना शुरू हो जाएगा। जब ये बैठ जाए इसे गोल गोला बनाएं, एक प्लास्टिक में थोड़ा सा ऑयल लगाएं और उसको गोले को, इस आटे को प्लास्टिक की थैली में रखें और डीप फ्रीजर में रखें। और उसके बाद जब आपको दोबारा से इसको बनाना हो उसको निकालें डीप फ्रीजर से और उसके बाद इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये तरीका कार है डीप फ्रीजर में रखने का और लंबे टाइम के लिए रखने का। लेकिन फ्रिज में आप रखेंगे एक दिन के बाद ये ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो वो जो फ्लेवर है वो बन नहीं पाएगा। इसलिए कि आपको पता है खमीरा जब हो जाता है तो स्मेल जो है वो काफ़ी आपको प्रॉब्लम करती है, ठीक है जी। स्मेल नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा ओवर स्मेल नहीं आनी चाहिए, हल्की फुल्की स्मेल होती है लेकिन हम जो चीज़ें डालते हैं इसमें उससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। चलते हैं अब पिज़्ज़ा जो पेन विल बन रहा है उसके लिए हमने एक स्टफ तैयार करना है, फिलिंग यानी कि इसके अंदर डालनी है हमने। और उसके लिए हमने लिया है एक पैन, इसमें हल्का सा ऑयल और गार्लिक, ठीक है जी, फ्रेश गार्लिक इसमें हम शामिल करेंगे, ताज़ा चॉप, और इसे आपने थोड़ा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फौरी तौर पर आपने इसमें चिकन के स्ट्रिप्स काटे हुए हमने ये हम डाल देंगे, ठीक है, और इसे हमने चिकन के साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। ये देखें जब ये थोड़ा सा वाइट और पिंक ये डबल सा कलर आ जाए इसके अंदर, इसको ओवर कुक नहीं करना है आपने, हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें आपने शामिल करना है मुख्तलिफ स्पाइसेस। और सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे शान का ज़बरदस्त ज़रा ताज़ा नमक जो है इसके अंदर जो है ना शामिल करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा इसमें हमने नमक शामिल किया, ठीक है जी। और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा ऑस्टर सॉस डाला, और इसके बाद इसमें आपने ओरिगानो शामिल किया और शान की काली मिर्च, ताज़ा काली मिर्च आपने डाला, और इसके साथ मशरूम चॉप मशरूम, सारी चीज़ें चॉप होंगी इसलिए कि इसको रोल बनाना है तो इसमें आपने बड़े बड़े पीसेस नहीं रखने, ठीक है जी। अब इसको आपने फिर दोबारा से मिक्स किया, और करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगा मज़ेदार सा शिमला मिर्च, वो भी चॉप, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसे आपने कलरफुल रखना है, ठीक है जी। ये हमने शिमला मिर्च डाल दी और इसके बाद इसको मिक्स किया दोबारा से, इसलिए कि नमक वगैरह कम इसलिए रखते हैं कि ताकि हमने पिज़्ज़ा सॉस भी डालना है, तो ये सारी कैलकुलेशन आपकी कम, ठीक है जी। ये हमने मिक्स किया और इसके बाद हमारे पास कॉलर है हलीमा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम हलीमा। वालेकुम अस्सलाम गुलजार भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है और आपसे एक फरमाइश भी करनी है। जी बिल्कुल, हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी। आज हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी, और आपके सवाल के जवाब भी देना चाहूंगी। जी बिल्कुल, आयोडीन मिला नमक होता है और एक रिफाइंड यानी सादा नमक भी होता है। ओके, जबरदस्त, आप यानी कि बड़े गौर से देखती हैं आप शो। बिल्कुल इस्तेमाल भी करती हूं। अच्छा ठीक है, तो दो किस्म के नमक जो है जरा ताज़ा है और इंशाल्लाह जरा ताज़ा। बिल्कुल, और इंशाल्लाह हम इसको अपने लकी ड्रॉ में शामिल कर लेते हैं। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? हाँ, कच्चे गोश्त की बिरयानी बनानी। अच्छा ठीक है जी, कच्चे गोश्त की बिरयानी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। तो इसको हमने मिक्स कर लिया और इसे आपने एक मिक्सिंग बॉल में निकाल लेना है, ठीक है जी। और मिक्सिंग बॉल में निकालने के बाद ठंडा जब हो जाए जब जाकर आपने इसे रोल करके और बिछाना है, उसके रोल बनाने हैं। और कैसे बनेगा ये सब कुछ, ये होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। चीनी एक चाय का चम्मच, अंडा एक अदद, बेकिंग पाउडर दो खाने के चमचे, नमक हसबे जायका, पिज्जा की पाइपिंग के लिए चिकन बोनलेस 300 ग्राम, लहसुन चॉप्ड एक चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, शिमला मिर्च बगैर बीज चॉप्ड एक अदद, मशरूम चॉप्ड आधा अदद, पिज्जा सॉस एक कप, ऑयस्टर सॉस एक चाय का चम्मच, मोजरेला चीज कद्दूकस 200 ग्राम, ऑलिव्स ऑरेगानो आधा कप, मक्खन 3 से 4 खाने के चमचे, अंडा एक अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हसबे जायका। डो बनाने का तरीका, पानी को नीम गरम कर लें और इसमें खमीर और चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें।
मैदे में नमक, अंडा, बेकिंग पाउडर और खमीर शामिल कर लें और इसे गूंद लें और 3 से 4 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर छोड़ दें। निकाल कर डो को हाथ की मदद से फोल्ड कर लें। डो तैयार है। टॉपिंग के लिए पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन शामिल करके भून लें। अब इसमें तमाम सब्जियां और मसाले ऑयस्टर सॉस शामिल करके मिक्स कर लें और उतार लें। अब डो को लंबा फैला दें, पेड़ा सॉस लगाएं और चिकन के आमेजे को फैला दें और ऊपर से चीज डाल दें। अब इसको रोल करके बंद कर लें, फिर इसके पीसेस करके पिन व्हील की शक्ल दे दें और पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर 15 से 18 मिनट के लिए बेक कर लें। निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार पिज्जा पैनविल जो है वो तैयार हो रहा है। और इस वक्त मैंने चिकन तैयार कर ली आपके सामने और उसके बाद इसमें हमने मिक्स कर देना है पिज्जा सॉस, ठीक है जी। और इसे मिक्स किया आपने, मिक्स करने के बाद यहाँ जो है मैंने चिकन का मिक्सचर तैयार कर लिया। अब यहाँ मेरे पास अच्छा इसको ठंडा करना है आपने लाजमी, ठीक है। ठंडा करने के बाद इस पर डालना है रोटी पे, वरना ख़राब हो जाएगा। और इस रोटी को हमने जो है आटे को बेल लिया है आपके सामने यहाँ पर इस तरह से, ठीक है जी। और इसके ऊपर आपने जो है इसको फैला देना है चिकन को। चले जी, चिकन आ गई, ठीक है जी। चिकन फैल गई इसके ऊपर और इसके बाद इसे आपने स्पैचुलर की मदद से जो है या बड़े चमचे की मदद से आपने इसे फैला देना है अच्छी तरह से। चले ये आ गया। अब इसके बाद आपने इस पे बहुत ही मजे मजे की चीजें ऐड करनी है, जिसमें हमारे पास है ऑलिव और चीज। ऑलिव आ गया और ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स। चलो जी ये आ गया। और इसके बाद ये है ग्रीन ऑलिव्स और इसके बाद मैंने डालना है इसके ऊपर मोज़रेला चीज, ठीक है जी। चारों तरफ फैला के डालेंगे ताकि हमारे पास कॉलर है अफशां फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम अफशां। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं जी अफशान? हेलो जी, ठीक हूँ, आप अपनी सुनाएं? हाँ बस थोड़ी बहुत। तो आज बहुत अच्छा जा रहा है, अभी हमारी लाइफ नहीं थी। अच्छा, तो मैं मिस कर चुकी हूँ, आप क्या बना रहे हैं आप बता देंगे क्या? आज पिज्जा पैनविल जो है वो तैयार हो रहा है, रोल बनेंगे पिज्जे के रोल बहुत ही मजेदार से। अच्छा ठीक है, बस लाइफ चली गई आपके शो के मौके जी। रात को 1 बजे रिपीट होगा और सुबह 10 बजे रिपीट होगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। और पाइनएप्पल की फरमाइश करनी थी। पाइनएप्पल केक, पाइनएप्पल केक, ठीक है। पाइनएप्पल अप साइड एंड डाउन केक, ठीक है। मीठे में भी कुछ बना दीजिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे इंशाल्लाह, जरूर। बहुत सारी रेसिपीज हैं, बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और यहाँ जो है हमने इसको रोल कर लेना है, ये देख लें आपके सामने, ठीक है जी। इसको हमने इस तरह से रोल करते जाना है सॉफ्ट हैंड के हाथ, हल्के हाथ के साथ, ठीक है। खमीरा होने के बाद जरा जो आपका अमेजा है वो थोड़ा सा लूज होता है, तो इसे आपने बहुत ही इत्मीनान के साथ इस तरह से रोल बना लिया, ठीक है जी। जब ये रोल हो जाए इसे आपने लंबाई में ऐसे करके रख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसे कट कर लेना, ठीक है, अपनी मर्जी के साइज से। और ये एक पीस इतना होता है कि ये खाने के बाद बंदे को फिर और किसी चीज की जरूरत ना पड़े, फुल आपका पेट भर चुका होगा इससे, ठीक है। और इसके बाद आपने एक लेनी है ट्रे और ट्रे पर इसे सेट करना है इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। ये लिया आपने, सेट किया, ऊपर से इसे इस तरह से ओपन करके रखा, ठीक है। ये देखिए,
बहुत ही जबरदस्त सी, जब ये बनकर तैयार होगा तो बस खिला खिला सा आपका, मजेदार सा चीज तैयार होगी। और इसे जब आप अपने मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो क्या बात है, ये जो है ज्यादातर बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर जो है ये बनता है पिज्जा पेनविल। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर ब्रश करना है अंडे का और बटर का। जी नाजरीन, और यहाँ मेरे पास, हमारे पास ब्रश, दो ब्रश ले लिए मैंने, एक से मैं लगाऊंगा एग और एक से बटर। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर हैं सुरैया फ्रॉम कराची। कराची, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई जी? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी आपकी रेसिपी है, बहुत अल्लाह पाक आपको और वो दे। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं सवाल का जवाब भी देना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। नमक एक आयोडीन होता है और एक सादा होता है। ठीक है ठीक है, मैंने नोट डाउन कर लिया। आप और अच्छे अच्छे रमजान आ रहे हैं ना, जरा अच्छे अच्छे हैदराबादी खाने भी बनाए इंशाल्लाह, बहुत सारे मजे मजे के खाने बनने वाले हैं जी। चलें, शुक्रिया अल्लाह आपको, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ हमने इस पे अंडे से पहले बटर लगाया, उसके बाद एग, ताकि इसकी इसका कलर खूबसूरत सा आए। ठीक है जी, और इसके बाद 200 सेंटीग्रेड पर ये 15 से 20 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे हम, और ये चला गया बेक होने के लिए। ठीक है जी, और इसे हम बेक होने के लिए डाल दिया। ये जबरदस्त तरीके से पहले से गर्म ओवन होना चाहिए, तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले, प्री हीटेड ओवन जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि 30 से 40 मिनट पहले से आपने इसको गर्म करके रखना है, उसके बाद फिर आपने जो भी चीज़ डालनी है वो मज़ेदार सी तैयार होगी। तो ये थी रेसिपी, रेसिपी चलते हुए देखते हुए जाएंगे ताकि आप अपने पास नोट डाउन कर लें। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। पिज्जा पैन वेव, पिज्जा की डो के लिए मैदा आधा किलो, खमीर एक खाने का चम्मच, चीनी एक चाय का चम्मच, अंडा एक अदद, बेकिंग पाउडर दो खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। पिज्जा की पाइपिंग के लिए चिकन बोनलेस 300 ग्राम, लहसुन चॉप्ड एक चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, शिमला मिर्च बगैर बीट चॉप्ड एक अदद, मशरूम चॉप्ड आधा अदद, पिज्जा सॉस एक कप, ऑयस्टर सॉस एक चाय का चम्मच, मोजरेला चीज कद्दूकश 200 ग्राम, ऑलिव्स आधा कप, ऑरिगानो आधा कप, मक्खन 3 से 4 खाने के चमचे, अंडा एक अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। डो बनाने का तरीका, पानी को नीम गरम कर लें और इसमें खमीर और चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। मैदे में नमक, अंडा, बेकिंग पाउडर और खमीर शामिल कर लें और इसे गूंद लें और 3 से 4 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर छोड़ दें। निकाल कर डो को हाथ की मदद से फोल्ड कर लें। डो तैयार है। टॉपिंग के लिए पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन शामिल करके भून लें। अब इसमें तमाम सब्जियां और मसाले, ऑयस्टर सॉस शामिल करके मिक्स कर लें और उतार लें। अब डो को लंबा फैला दें, पेड़ा सॉस लगाएं और चिकन के आमेजे को फैला दें और ऊपर से चीज डाल दें। अब इसको रोल करके बंद कर लें, फिर इसके पीसेस करके पिन व्हील की शक्ल दे दें और पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर 15 से 18 मिनट के लिए बेक कर लें। निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज तैयार होने जा रही हैं, और हमने जो है इस वक्त पिज़्ज़ा पेनविल जो है इसको रख दिया है बेक होने के लिए। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, और इसके बाद हम बनाएंगे चिली चिली नूडल्स। चिली चिली नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहली बात ये है कि चिली ऑयल, अगर आपको बनाना आता है तो चिली ऑयल बनाना सीख लें, आपके खाने बहुत ही मज़ेदार, वाकई वो चाइनीज़ वाला जो टेस्ट आता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाते हैं और आप कहते हैं यार इसमें तो बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है, और मार्केट में अगर आप परचेज करने जाते हैं चिली ऑयल तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। चिली ऑयल बनाना बहुत आसान काम है, और उसके लिए जो है आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, और इसमें आपने तलहार मिर्च, ठीक है, तलहार मिर्च के 2-3 पीसेस डाल देने, और ये आपका चिली ऑयल तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारे पास कॉलर हैं,
हुमैरा फ्रॉम कराची कराची। सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मजे का शो है। और पहले तो ये कि आपके क्वेश्चन की आंसर देना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। आयोडीन मिला नमक होता है, इसके अलावा प्लेन सॉल्ट होता है। ठीक है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि मैंने फेसबुक पेज लाइव किया हुआ है, उसमें कोई विनर्स अनाउंस नहीं की है आपने। अच्छा, हाँ मैंने देखा है। अच्छा, फेसबुक आपने लाइक किया हुआ आज एंटरटेनमेंट? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक है। तो आओ, जब से आपका शो स्टार्ट हुआ है तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, है, तो है। अभी जो मंडे से विनर जो आप लोगों ने बताया है, कोई अनाउंस नहीं किया। नहीं, मैं ये जो मेरे पास ये है ना अपना चमचा, ये इनके सर पे मार दूंगा। आप प्रोग्राम के बाद देखिएगा, मैं खुद देखता हूँ। प्लीज लास्ट में अनाउंस कर दिया करें। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी देर लगती है अनाउंस करने में? हम इतनी वेट करते हैं और इतना कॉल मिला के थक जाते हैं। मेरी आज कॉल मिली है। आज जरूर फेसबुक देखिएगा आप, इंशाल्लाह उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे पास ऑयल हमारा जो है ये चिली ऑयल तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसको फ्राई करें, चाहे तो इसको इसमें रहने दें, चाहे इसको निकाल लें और इस ऑयल को बनाकर आप ठंडा होने के बाद बॉटल में बंद करके रख लें। जब भी आप कोई चाइनीज मज़ेदार रेसिपी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके अंदर तेज़ी ना हो लेकिन फ्लेवर जो है वो चिली का आए, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है जी। यहाँ हमारे पास ऑयल जब तैयार हो जाए उसके बाद फिर आपने इसमें डाल देना है यस गार्लिक, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश गार्लिक। डालने के बाद फौरी तौर पर आपने इसमें थोड़ी सी प्याज शामिल कर दी, इसलिए कि आपको पता है चाइनीज खाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा पकते नहीं हैं और खूबसूरती बरकरार इसकी इसी तरह रहती है कि इसमें आप जो है सब्जियों का और लेकिन खूबसूरत कलरफुल सब्जियां, जैसे कि मेरा सेट है, इस तरह की कलरफुल सब्जियां जो है इसमें रहनी चाहिए। ठीक है जी, इसको आपने मिक्स किया और उसके बाद इसमें आपने मुख्तलिफ सब्जियाँ ऐड कर दी। ठीक है, मेरे पास टमाटर हैं, थोड़े से हरी मिर्चें हैं, इसके साथ थोड़ी सी बंद गोभी है। ठीक है, ये सारी मज़ेदार सब्जियां जो हैं ये ऐड कर दें, उसके बाद इसे आप कर लें टॉस। ठीक है जी, अच्छी तरह से मिक्स किया आपने, कलरफुल यस। और इसके बाद फिर आपने इसमें मसाले शामिल करने हैं। ठीक है जी, इसमें आपने डालना है थोड़ा सा लेमन जूस, चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, लाल मिर्च थोड़ी सी कुटी हुई, काली मिर्च शान की मज़ेदार सी। ठीक है जी, और इसके बाद शान का, जब तक नमक नहीं पड़ेगा तो फिर फ्लेवर कैसे आएगा? ठीक है, शान का ज़रा ज़रा खालिस नमक जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, और इसमें हमने, और हमेशा जो है हाथ से डालें ताकि इसका आपको अंदाज़ा भी रहे नमक का ज़्यादा कम होने का। ठीक है जी, और इसको हमने मिक्स किया अच्छी तरह से। चले, जब तक ये सब्जियां आपस में मिक्स हो रही हैं, पक रही हैं, मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ नूडल्स के बारे में। नूडल्स जो हैं वो कैसे बॉईल करने हैं, लेकिन इससे पहले कि हम नूडल की तरफ जाएं, हमारे पास कॉलर हैं दुआ फ्रॉम कहाँ से, साहिवाल जी, साहिवाल से जी। अस्सलाम वालेकुम दुआ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है प्रोग्राम आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। एक दफा मैंने पहले भी कॉल की थी, मैं उज्मा बात कर रही हूँ और मेरी बेटी दुआ। अच्छा, आपकी बेटी और मेरी अम्मी जान वो प्रोग्राम देख रही है। पहले तो उनको ना एक स्टेप जो आपका होता है कि जहाँ तक पहुँचे हमारा सलाम पहुँचे वो करके दिखाइएगा। अच्छा, किसके, क्या नाम है आपके, किसको किसको करना है? मेरी बेटी दुआ और मेरी दुआ अम्मी जान। जी, दुआ के लिए और आपकी अम्मी जान के लिए, जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे। जी जी, शुक्रिया। और मैंने ये कहना था कि आपका सेट बहुत माशाल्लाह प्यारा है। ये तो सुन के आप थक गए होंगे, लेकिन ये बात सच है कि वाकई बहुत प्यारा है। और बहुत साथ साथ नहीं, मैं थका नहीं, वजह से चार चांद लग गए। जी जी, आपको सेट अभी दिखा भी रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त है ना, रौनकदार, बहुत प्यारा है। हाँ जी, और जब आप जैसे शेफ हों तो फिर तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके दुआओं के साथ, और इसी तरह से हमारी मेहनत जारी और सारी रहेगी। और आपकी वाकई बेटी का नाम दुआ है, तो उनकी दुआएं भी चाहिए, आपकी भी चाहिए और आपकी मम्मी की भी दुआ चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नूडल्स बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार,
नूडल्स को कितने देर बॉयल करना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नूडल बनाना आसान काम है, लेकिन क्रिस्पी नूडल बनाना एक मुश्किल काम है। तो वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि नूडल कैसे बनेंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। चिली फ्राइड नूडल्स अज्जा, एग नूडल्स आधा पैकेट, टमाटर स्टिक्स में कटी हुई एक अदद, प्याज स्टिक्स में कटी हुई एक अदद, हरी प्याज स्टिक्स में कटी हुई दो से तीन डंडियां, बंद गोभी स्टिक्स में कटी हुई 100 ग्राम, चिली गार्लिक सॉस दो से तीन खाने के चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई एक चाय का चम्मच, लहसुन चॉप्ड दो खाने के चमचे, सोया सॉस दो से तीन खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई एक चाय का चम्मच, नींबू का रस दो से तीन खाने के चमचे, हरी मिर्चें स्लाइस 4 से 5 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। एग नूडल्स तैयार करने का तरीका, सबसे पहले पानी को बॉईल कर लें और फिर गर्म पानी में नूडल्स और 2 खाने के चमचे तेल डालें और 5 मिनट के लिए बॉईल कर लें, फिर निकाल कर ठंडे पानी में डाल दें। जब नूडल्स का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो निकाल कर साइड में रख दें। अब एक पैन में ऑयल डालें और इसमें लहसुन डालकर फ्राई कर लें, फिर इसमें प्याज डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें लाल मिर्च, चिली गार्लिक सॉस और करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें नूडल्स और तमाम सब्जियां शामिल करके तेज आंच पर फ्राई करें, आखिर में नींबू का रस शामिल कर लें और डिश आउट कर लें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है और वो बना रहे हैं हम चिली नूडल्स। और नूडल्स बनाने के लिए हमने सारी सब्जियां आपके सामने डाली और चिली ऑयल बनाना आपको सिखाया कि तलार मिर्च और ऑयल थोड़ा सा पकाएं, उससे चिली ऑयल बन जाएगा और उसका खाना पूरे खाने में एक बड़ी ज़बरदस्त सी सौंधी सी खुशबू आ जाएगी। ठीक है जी, हमारे पास इस वक्त नूडल्स जो हैं वो तैयार हैं। नूडल्स बॉयल करने के लिए, जो एग नूडल्स होते हैं चाइनीज़ नूडल्स जिसको हम कहते हैं, इसको बॉयल करने के लिए आपको टाइमिंग जो है वो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको जो है सिर्फ क्या चीज़ें ख्याल रखनी है कि बॉइल्ड पानी के अंदर आप डालेंगे और इसे आपने 5 मिनट के लिए सिर्फ बॉइल्ड करना है, इससे ज़्यादा ना करें वरना ये खिले खिले नूडल्स आपके नहीं तैयार होंगे। ठीक है, और इसके लिए आपने खिले खिले नूडल्स बनाने के लिए ये आपने नूडल्स को जब भी आप किसी भी सॉस में डाल रहे हैं, चिकन में डाल रहे हैं, किसी भी चीज़ के साथ डाल रहे हैं, इसे आप इस तरह से खोल कर डालेंगे। ये देखें क्रिस्पी नूडल का पहचान ये है कि ये ऊपर से गिरने के बाद सारा नूडल्स बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, और इसे आपने बॉयल किया 6 मिनट के लिए, गरम बॉयल्ड पानी के अंदर डाला, 6 मिनट बॉयल करने के बाद निकाला, ठंडे पानी से इसको वॉश किया, हल्का सा ऑयल लगाया, उसके बाद छोड़ दिया। ये देख, ठीक है जी, अब ये नूडल्स जो हैं बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से तैयार होंगे और कलर भी अच्छा रहेगा, इसको बनने के बाद भी ये काफ़ी देर तक ठंडे होने के बावजूद ये क्रिस्पी रहेंगे। ठीक है जी, जबरदस्त ये खुशबूदार से नूडल्स, और इसके अंदर हम अब शामिल कर देंगे आखिर में बहुत ही मज़ेदार सी क्या चीज़, यस हरी प्याज लास्ट में डालना है वरना इसका फ्लेवर मज़ेदार नहीं रहेगा। ठीक है, हमारे पास जंग से कॉलर हैं शुमाइला जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं शुमाइला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मजा आ रहा है, आपका शो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत शुक्रिया जी। मुझे ना एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपके फेसबुक पेज की वजह से, ना हमने खोला हुआ है मगर ना समझ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, जो आपका शो है एक तो लाइव देखे वो किस तरह, और दूसरा जो हमने विनर के नाम देखने वो हम कैसे देखे? अच्छा ठीक है, ठीक है। कल का आपने अपलोड किया हुआ है क्या? जी मेरे ख्याल से अभी आप प्रोग्राम के बाद देखिएगा, इंशाल्लाह अपलोड हो चुका होगा। ठीक है, कल वाला शो है आपका? जी जी बिल्कुल, रोजाना शो जो होते हैं अपलोड होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन नूडल्स जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। ओहो क्या बात है, मज़ेदार गर्मा गर्म खुशबूदार से नूडल्स। और आज मैंने आपसे कहा था कि एक लौंग का कमाल और बेहतरीन सी चाय, और वो मेरे लिए भी ज़रूरी, खांसी हो रही है। एक छोटा सा पीस अदरक का, ये देखें, ठीक है कैमरा करीब कर लें, अदरक का एक छोटा सा पीस ले लें, और ये आपने डाला, एक दालचीनी की ये आपने शामिल की, और 2 से 3 लौंग के पीसेस ये आपने डाल दिए, ये आपकी एक बेहतरीन सी चाय बन जाएगी, गले की खराश
जुकाम, नज़ला, बहुत सारी, और सबसे ख़ास तौर पर इस वक्त जो एक प्रॉब्लम है वो है खराश की, गले में जो खराश हो रही है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से हम बात भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही होती है, और इसके साथ बलगम वगैरह भी शामिल होता है। 2-3 मिनट इसको बॉईल करना है, उसके बाद इसको आपने निकाल कर चुस्कियाँ ले लेकर पीना है मज़े से, तो इंशाल्लाह इसकी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ये चाय हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है और मैं इसे पीऊँगा भी और आपके साथ बातें भी करूँगा। यहाँ हमारे पास रेसिपी भी तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लें सलाद पत्ते वगैरह के साथ, ठीक है जी। और इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर कोई कलर देना चाहते हैं तो इस वक्त मेरे पास बहुत ही मज़ेदार जो है मायनेज, चिली गार्लिक सॉस, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश करें और इसको खूबसूरती के साथ सर्व कर दें, ये देखिए, ठीक है जी। इस तरह से उससे इसका फ्लेवर और अच्छा सा आ जाता है, ठीक है। और ये हमने इसको फाइनली डन कर लिया है, चाय मेरी इधर आ गई है और अब मैं आ जाता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। और इसी के साथ साथ जो पिज़्ज़ा पेनविल, ये भी आपको मैंने दिखाना भूल गया था, ये भी तैयार हो चुका है, ये देख लें, खूबसूरत सा कलरफुल, खूब रंगत वाला जो कलर होता है वो आया है इसके ऊपर, और इसे आप बस निकालें, इसलिए कि हमने इसके गोल गोल बनाए हैं, इसके एक एक पीस अलग हो जाएगा, इसे आप सर्व कर सकते हैं बड़ों को, बच्चों को, सबको, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास लौंग की इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो ये कि लौंग का जो तेल होता है ये है नॉर्मल जो तिल का तेल होता है ये, और ये है लौंग का तेल, 4 खाने के चमचे लौंग का तेल 1 कप तिल के तेल में मिक्स कर लें। किसी भी किस्म का दर्द हो जोड़ों में, जिस्म में, या बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है, इस टाइप की चीज़ हो रही है, तो रात को इसे मसाज करके सोएं, इंशाल्लाह आपको सारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। और ये अगर बच्चों के सीने पे लगाते हैं तो उनकी जो सीने की जकड़न है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और चाय जो मैं आपको बता चुका हूँ मज़ेदार और ज़बरदस्त चाय, ठीक है जी। और अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, ये है धागा। वैसे ये तो मैं अपना जो आम सिलाई वाला धागा होता है ये हम बता रहे हैं आपको, लेकिन इसमें आपने काला मोटा वाला जो धागा होता है जिसमें हम तावीज़ वगैरह बांधते हैं वो धागा हमें चाहिए होगा, ठीक है। ये वाला धागा नहीं बल्कि काला वाला जिसमें तावीज़ बनती है, वो वाले धागे में आप 3 दाने ये लौंग के, 3 गिनती करके, 3, ठीक है जी। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, बच्चे बड़े जिन लोगों को भी इस तरह का मसला है उन लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा थोड़े से भी कोई वायरल हो उनको फौरन बीमार हो जाते हैं, उन लोगों के लिए इसके गिरे बांध देने आपने, जिस तरह से हम गिरा बांध देते हैं इस तरह से, एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 3 आपने इसमें बांधने 1 धागे के अंदर, ठीक है, जो आपके गले में हो। और जब ये पुराना हो जाए तो इसको निकाल कर फिर आप नया बनाकर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ज़रा कैमरे को करीब कर दें, ये देखें, ठीक है, ये आपको लौंग नज़र आ रहा है, इस तरह से 3 गिरे में 3 आपने लौंग बांध कर गले में डाल देना है। उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, और उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो बार बार बीमार हो जाते हैं वायरल वगैरह की वजह से, ठीक है जी। ज़बरदस्त चीज़ है, लौंग की चाय बनाएं जिस तरह से अभी मैंने बनाई है, लौंग का ऑयल और तिल के ऑयल को मिक्स करके जो है मसाज के लिए भी बना सकते हैं, इस तरह से लौंग दांत के दर्द वगैरह के लिए भी फौरी असर करता है, और जो लौंग का ऑयल है वो भी दांत के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये थी आज की रेसिपी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद पसंद आया होगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड शाउट।